हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राम स्टडी फैक्ट 1 2 3 में। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम RRB टेक्नीशियन ALP टेक्नीशियन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और ये 1000 प्रश्नों के सीरीज में, यानी ये चौथा वीडियो होगा जो हम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रश्न नंबर 151, अप्रत्यक्ष कर है, तो ये है सेवा कर और वैट कर, यानी दो कर हैं, दो इसके नाम हैं, सेवा कर और वैट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 152, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है, इसका हरियाणा में स्थित स्थान है बनावली, मिथातल और राखीगढ़ी, ये तीन स्थान है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 200 ई पूर्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 154, बौद्ध धर्म के मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष का साधन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्ट मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, तो ये था संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, यानी क्या था, तो इसका आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, तो ये करते थे कुदाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये थी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया था, तो ये किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में, अक्टूबर से दिसंबर तक। और इनका एक फेमस सत्याग्रह है 1920 असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए उदय का मुख्य कारण था, तो ये था वहावी आंदोलन, सर सैयद अहमद खां द्वारा संप्रदाय प्रचार, अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो नीति, ये थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1915 ईस्वी में, और ये मदन मोहन मालवीय ने की थी अखिल भारतीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा, ये था कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 163, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और ये अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल था 9 दिसंबर 1946 में ये अध्यक्ष बने थे, और ये उसी दिन यानी 9-10 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब पारित हुआ,
भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 165वां, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बने थे 11 दिसंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्थायी थे, स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 166वां, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? तो ये हुए थे 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 167वां, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए? तो ये हुए थे 1951-1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 168वां, पांचवे आम चुनाव के बाद भारत में पीएम कौन बने थे? तो ये बने थे 1971 में इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? तो ये था 5वें 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 170वां, किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? तो ये चला था गुजरात राज्य में, और 20 दिसंबर 1973 और 16 मार्च 1974 को चला था ये आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 171वां, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 173वां, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 174वां, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 175वां, राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता महिला द्वारा घरेलू कार्य, ये राष्ट्र की आय की गणना में नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 176वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो ये देता है 110वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 177वां, किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि वह भारत सरकार के लिए अधीन लाभ पद धारण करता है, और यदि किसी भी कानून द्वारा आयोग घोषित किया जाता है, यदि वह अनुक्त दिवालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178वां, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? ये किया गया था 1911 में, और हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 181वां, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ये था ढाका,
ये था ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 182वां, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो ये था हिंदू धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 185वां, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो ये होती हैं एक कोशी प्रोटोजुआ के कारण होती हैं ये बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 186वां, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? तो ये होते हैं अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 188वां, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 190वां, किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? तो ये होता है एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है? तो ये होता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 192वां, भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो ये होता है दृश्य मुद्दे और अदृश्य मुद्दे, पूंजी अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? तो ये होती है उत्पादन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 194वां, सिलिकॉन यानी SI इसका सिंबल है, सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता? तो ये होगा फॉस्फरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 2.80 × 10⁻¹⁸ Z। नेक्स्ट क्वेश्चन 196वां, तरंग दर सबसे कम है? तो ये है गामा किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दर सबसे ज्यादा है लघु रेडियो तरंगों की एक्स किरणें की ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है? तो ये है टी मॉडल फोर्ड, और ये बनी थी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो ये है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन 200वां, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं नारीवादी? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद।